वैज्ञानिकों की मेहनत लाई रंग, 100 सालों बाद खोज निकाला ब्लैक होल। वैज्ञानिकों ने सबसे कम द्रव्यमान के साथ ब्लैक होल देखा है, जो 3.3 टाइम्स सन के समान है। दरअसल ब्रह्मांड की गहराई के बारे में अधिक जानने की खोज का अस्तित्व कभी नहीं रहता है। यह वे खोज थी जिसके परिणाम स्वरूप अनुसंधान के वर्षों के बाद ब्लैक होल का पहला सबूत प्रदान किया था। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की गई थी। उसी का एक फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त करने में 100 साल से अधिक समय लगा। कई असफलताओं के बाद भी वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन द्वारा सिद्ध किए गए सिद्धांत के बारे में अपनी खोज जारी रखने के लिए कभी नहीं रोका। ब्लैक होल्स मायावी निकाय हैं जिनका पता लगाना कठिन होता है क्योंकि वे प्रकाश को निगल जाते हैं। अब द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा किए गए नए शोध के अनुसार बहुत सारे ब्लैक होल हो सकते हैं जो रिपोर्ट करने से चूक गए हैं। इसको लेकर विज्ञान पत्रिका में निष्कर्ष प्रकाशित किए गए थे। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सबसे कम द्रव्यमान वाला ब्लैक होल खोजा गया है। इस लेख में विशालकाय तारा J05215658 के चारों ओर एक ब्लैक होल का उल्लेख किया गया है। इसे पृथ्वी आधारित दूरबीनों और एक उपग्रह के अवलोकनों का उपयोग कर देखा गया था। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक खगोल शास्त्री और अध्ययन पर प्रमुख लेखक टॉड थॉम्पसन ने एक आधिकारिक बयान में कहा, हम इस संकेत को दिखा रहे हैं कि वहां एक और आबादी है जिसे हमें ब्लैक होल की खोज में वास्तव में जांच करनी बाकी है। टीम यह भी बताती है कि नया ब्लैक होल सूरज से 3.3 गुना अधिक विशाल है। यह बदले में इसका मतलब है कि यह अब तक खोजा गया सबसे कम द्रव्यमान वाला ब्लैक होल है। एक और संभावना है कि अनदेखी वस्तु J05215658 की परिक्रमा एक बहुत बड़ा न्यूट्रॉन तारा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल लीफ का किया आविष्कार, ईंधन को बनाने में होगी मददगार। वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल लीफ का आविष्कार कर लोगों को चौंका दिया है। शोध की प्रक्रिया अब कार्बन डाइऑक्साइड को ईंधन में बदलने का काम भी करेगी। नई तकनीक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलने के लिए पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग से प्रेरित है। कृत्रिम पत्ता आर्टिफिशियल लीफ इस प्रक्रिया का पर्याय बन गया है। नेचुरल एनर्जी पेपर में प्रकाशित खबर के अनुसार घोल को गर्म करके मेथनॉल को एकत्रित कर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वाटरलू विश्वविद्यालय के एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर ने द इंडिपेंडेंट को बताया कि इस तकनीक ने सौर से ईंधन दक्षता में करीब 10% वृद्धि कर डाली है। पहले से ही ये प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण करीब 1% से बड़ा है। शोध में अगला कदम तरल ईंधन के उत्पादन के लिए प्रवाह सेल के एक सिस्टम इंजीनियरिंग के साथ इसे बनाने के लिए उद्योग कंपनियों के साथ साझेदारी करना है। उद्योग के भागीदारों संग लाइनों के साथ अधिक कुशल कृत्रिम पत्तियों को विकसित किया जा सकता है। प्रक्रिया के व्यवसायीकरण में कई साल लग जाएंगे। ग्लूकोज, कॉपर एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम डोडेसिल सल्फेट को पानी से एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाती है। प्रक्रिया शुरू करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विशिष्ट तापमान पर पानी को गर्म किया। इसके माध्यम से CO2 को उड़ा दिया। उससे सफेद प्रकाश किरणों को चमकाया गया। इसके बाद CO2 को बिजली संयंत्रों और तेल की ड्रिलिंग आदि स्रोतों से परिवर्तित कर उत्पादित इथेनॉल की मात्रा में इजाफा करना चाहते हैं। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया का व्यवसायीकरण करना चाहते हैं।